दोस्तों एक समय ऐसा हुआ करता था जब टॉलीवुड फिल्में सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ शानदार फिल्मों और टैलेंटेड एक्टर्स की वजह से ये फिल्में अब भारत के हर कोने में पसंद की जाती हैं। और अगर कहा जाए कि टॉलीवुड सिनेमा विश्व स्तर पर भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है तो यह भी कोई गलत बात नहीं होगी। और दोस्तों टॉलीवुड को इतना लोकप्रिय करने में कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर्स का हाथ रहा है, और इन्हीं में से एक एक्टर है अल्लू अर्जुन, जो कि साउथ इंडिया फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। और अल्लू अर्जुन को उनकी शानदार स्टाइल की वजह से स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन भी कहा जाता है। अल्लू अर्जुन साउथ इंडिया के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनके फैंस साउथ इंडिया के साथ साथ आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएंगे। और इसी वजह से सिर्फ अल्लू अर्जुन ही हैं जिनके फेसबुक पेज पर 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। साथ ही फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में भी अल्लू अर्जुन हर साल छाए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे टॉलीवुड फिल्मों का यह एक्टर लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1983 से, जब तमिलनाडु के चेन्नई शहर में अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अल्लू अरविंद है, जो कि मूवी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है। साथ ही उनकी माँ का नाम निर्मला है, जो कि एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के दादाजी अल्लू रामलिंगिया भी साउथ इंडिया के 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, और 1990 में उन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अल्लू अर्जुन को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था, और यह टैलेंट उनके स्कूल के समय से ही साफ साफ दिखाई देती है। वह पढ़ाई में कमजोर थे, पर उनको डांस और एक्टिंग करना काफी पसंद था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से की, और अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से पूरा की। वैसे तो अल्लू अर्जुन जब सिर्फ 2 साल के थे, तभी उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू कर लिया, और उस मूवी का नाम था विजेता। हालांकि आगे चलकर उन्हें अपने आप को एक लीड एक्टर के तौर पर स्थापित करना था, और इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्तों अगर अल्लू अर्जुन चाहते तो वह अपने पिता और दादा के नाम पर फिल्मों में काम आसानी से पा सकते थे, लेकिन ऐसा न करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया। और अगर उनके बाल कलाकार के रोल को छोड़ दिया जाए तो उनका असल डेब्यू शुरू हुआ 2001 में, जब वह डैडी नाम के एक फिल्म में डांसर के तौर पर नजर आए। हालांकि एज अ लीड एक्टर वह दिखाई दिए 2003 की मूवी गंगोत्री से, और लीड एक्टर के तौर पर उनका पहला ही मूवी बहुत ही जबरदस्त हिट रहा। इस मूवी में निभाए गए किरदार के लिए अल्लू अर्जुन को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू साउथ, सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू और नंदी अवार्ड। और फिर अगले साल यानी कि 2004 में उनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था आर्या, और इस मूवी को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से यह फिल्म कॉमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही। और इसके रिलीज होने के बाद से अल्लू अर्जुन अब तमिल सिनेमा के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक बन गए। आगे चलकर उनकी तीसरी फिल्म बन्नी में किए गए उनके कॉलेज स्टूडेंट के रोल को भी काफी सराहना मिली, और यह फिल्म भी अल्लू अर्जुन की पहली दो फिल्मों की तरह ही काफी हिट रही। और इन फिल्मों के अलावा भी अल्लू अर्जुन हैप्पी, देश मुद्रु, शंकर दादा जिंदाबाद, आर्या 2, बद्रीनाथ, सन ऑफ सत्यमूर्ति और यवदु जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। और दोस्तों अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 6 मार्च 2011 को नेहा रेड्डी नाम की लड़की के साथ शादी की, जिनसे कि उन्हें एक लड़का आर्यन और एक लड़की आरा भी है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्मी दुनिया से पहले से जुड़ी हुई अपनी फैमिली की विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन के सर पर थी, जैसे कि उन्होंने अपनी शानदार टैलेंट के जरिए बखूबी निभाया है। उम्मीद है कि आपको अल्लू अर्जुन की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।